This video is collaborated with Dr. Mobeen Khan. ये जो सीट मिल है ना बनी, पहली बात यह है कि ये 2002 में शुरू हुई। इसके बनाने का मकसद शुरू में ये था कि इस फार्म के जानवरों की जरूरत को पूरा किया जाए और जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी ये सहूलत दी जाए, क्योंकि पहले आप लोगों को पता है कि सिर्फ और सिर्फ खाल टुकड़े लोग डालते थे, वनडे का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन अब इस वक्त ये कॉन्सेप्ट इतना आम हो गया है के देहात में भी बंडा इजीली अवेलेबल है, चलता है। ये जो फीड मिल बनी थी मैंने बताया 2002 में, उसके बाद 2015 में इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया। गवर्नमेंट के 22 फार्म हैं पूरे पंजाब के अंदर, क्योंकि आप लोगों ने भी फार्मों पे जाना है या सर्विस कहीं ना कहीं तो करनी है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक जो है ना पंजाब के, इसके पूरे पंजाब के अंदर कितने फार्म हैं? 22 फार्म हैं। तो उन 22 फार्मों के ऊपर जितनी भी लाइफ स्टॉक है, जितने भी जानवर रखे हुए हैं, उन जानवरों को उनके वनडे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस फीड मिल को सेंट्रलाइज कर दिया गया। यहाँ से वंडा तैयार होता है और पूरे पंजाब के फार्मों पर सप्लाई होता है। सबसे पहले 2015 तक एक ही राशन तैयार होता था जिसका नाम था अनमोल राशन, बस, और सारे जानवरों को वही दिया जाता था। 2015 में मैंने आके इसके 7 ब्रांड शुरू किए, आपके सामने लगे हुए। डेयरी के लिए अलग राशन है, जो डेयरी वाले एनिमल्स हैं जो दूध देते हैं उनके लिए अलग राशन है, जो जानवर अभी ग्रो कर रहे हैं उनके लिए अलग राशन है, जो जानवर दूध देने के बाद ड्राई हो जाते हैं उनके लिए अलग राशन है, जो हमारे SPU हैं, यहाँ से सीमन प्रोड्यूस होता है और वो पूरे पंजाब के अंदर वो सप्लाई होता है, तो वहाँ जो हमने बुल रखे हुए हैं उन बुल्स के लिए अलग राशन है, इस तरह शीप एंड गोट के लिए अलग राशन है, जानवरों की फैटनिंग के लिए अलग राशन है। ये 7 ब्रांड हमारे पास है। अच्छा, ये राशन जो हम बना रहे हैं ये हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे बनाते हैं। हम टेंडर करते हैं, टेंडर करने से पहले पंजाब लेवल पे एक कमेटी बनी हुई है न्यूट्रिशनिस्ट की, वो पहले मौसम के लिहाज से, जानवरों के लिहाज से पहले फार्मुलेशन करते हैं कि जी अब आने वाले इन 2 या 3 माह में जानवरों को इस चीज़ की ज़रूरत है। वो फार्मुलेशन करने के बाद फिर हम वो देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जो हमारे पूरे 22 फार्म हैं 3 माह में इनकी रिक्वायरमेंट कितने, किस वनडे की कितनी होगी, उस हिसाब से फिर उसका हम करते हैं टेंडर। टेंडर अखबार में दे देते हैं कि जी फलां फलां चीज़ हमें इतनी इतनी क्वान्टिटी में चाहिए, तो मुख्तलफ़ सप्लायर जो हैं हमारे पास आते हैं, तो उसका क्राइटेरिया ये होता है कि उन्होंने टेंडर ख़रीदना है, जिस चीज़ का टेंडर निकलेगा उनके नाम उसकी 10% उन्होंने पहले हमें वारंटी जमा करवानी है CDR की सूरत में। क्यों जमा करानी है कि जो टेंडर निकलाया है उसने हमें जो सप्लाई देनी है वो कहीं भाग ना जाए, क्योंकि कंपटीशन होता है, हमने लोएस्ट रेट पर चीज़ लेनी है लेकिन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं। ये गाड़ी आप देखते हैं बाहर खड़ी है, सुबह से खड़ी है, क्यों खड़ी है? इसका सैंपल लैब में गया हुआ है, न्यूट्रिशन लैब में, जहाँ न्यूट्रिशन लैब में इसका सैंपल गया हुआ है, वहाँ से 2 से 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं कुछ सैंपल्स को प्रोसेस होने के लिए। जब उधर से उसका रिजल्ट आ जाएगा, अगर वो ओके हो जाएगी तो ऑनलोड होगी, वरना जी रिजेक्ट होके वापस चले जाएंगे। कुछ एटमें ऐसी हैं जिनका हम फौरी रिजल्ट तैयार कर लेते हैं। वहाँ आपने NIR मशीन देखी होगी, 2017 में वो हमने परचेज की थी, उस वक्त उसकी कीमत थी 70 लाख रुपये, इस वक्त वो 1.5 करोड़ की है। उसको ख़रीदने का मकसद सिर्फ ये था कि कोई भी चीज़ आ गई है, गाड़ी खड़ी है, उसका सैंपल लें और ये 1 से 1.5 ग्राम सैंपल उसमें रखते हैं तो विद इन 15 से 20 सेकंड वो रिज़ल्ट दे देता है इसके अंदर क्या है। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका रिज़ल्ट नहीं मिलता, जैसे ये राइस पॉलिश खड़ी है, इसका उसमें आईकॉन नहीं है, इसका रिज़ल्ट हमें फिर जेल्डाज ऑपरेटर से लगा करके उसका रिज़ल्ट देना पड़ता है। ये क्वालिटी होती है हमारी इस तरह।
अब इस राशन में कौन सी चीजें पड़ती हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं ये मेज है, मकई। चूंकि आप लोगों में से अक्सर जो बिहार से हैं उनको तो पता है, लेकिन इसके मुतलक सबको ही पता है। ये मकई है, वो भुट्टे और छलियां जो बाजार में मिलती हैं। इस एक मकई से रफान मिल वाले 103 एटमे तैयार करते हैं। इस एक मकई से 103 एटमे वो तैयार कर रहे हैं, जो उनकी पुडिंग्स है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनकी है जो ह्यूमन साइड पे इस्तेमाल होती हैं। यहाँ जो हो रहा है वो बाई प्रोडक्ट है उनका। इसमें से यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा जर्म होता है पीले कलर का, ये खुश्क हो गई इसमें नहीं नज़र आ रहा, जो ताज़ा होती है मकई उसके अंदर नज़र आता है। उस जर्म को वो अलग करते हैं, वो छोटा सा जर्म, उस जर्म से ऑयल निकलता है जिसको हम मेज़ कुकिंग ऑयल कहते हैं। देखा आप लोगों ने मार्केट में, आपके घरों में भी कुछ ना कुछ कोई लोग इस्तेमाल करते होंगे मेज़ कुकिंग ऑयल, वो उस जर्म से निकलता है। उस जर्म से ऑयल निकलने के बाद जो बच जाता है वो ये पड़ा है, जिसको कहते हैं मेज ग्लूटन 60%। ये है, इसको 60 इसलिए कहते हैं कि इसमें प्रोटीन का लेवल 60% तक होता है। इसके ऊपर से एक छिलका उतरता है, जैसे जो हम गंदम पिसवाते हैं तो उसमें से ऊपर से निकलता है ना, जिसको ब्रैन कहते हैं, इसी तरह इसके ऊपर से भी एक छिलका निकलता है जिसको ब्रैन कहते हैं। वो है मेज ब्रैन, इधर पड़ा हुआ ये ऊपर वाला इसका छिलका है। ये भी उनका बाई प्रोडक्ट है, ये भी इधर पोल्ट्री में इस्तेमाल होता है। बाकी इसमें से वो निकालते हैं, स्टार्च बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनकी बनती हैं। अच्छा, एक इसमें से शीरा निकलता है मीठा, उसको कहते हैं कॉर्न स्टीव लीकर। ये कॉर्न स्टीव लीकर जो है, जैसे गन्ने में से शीरा निकला, इसी तरह इसमें से भी एक शीरा निकलता है, उसको क्या कहते हैं कॉर्न स्टीव लीकर। उसके अंदर प्रोटीन का लेवल 15 से 18% तक होता है। इस मकई में 8 से 9% तक प्रोटीन लेवल है। इसके ऊपर से जो छिलका उतर गया उसके अंदर 14 से 15% प्रोटीन है। ये इधर लगा, ये सारा ये मेज ब्रांड, ये पीछे लगा, ये ऊपर बोरी पड़ी है मेज ब्रांड। बाकी ये ग्लूटेन 60% के पड़े हैं, डिस्प्ले में मैंने दिखा दिया। अच्छा, उस शीरे को और ये जो इनका चोकर है, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये इनका ग्लूटेन 30% बन जाता है। उन दोनों को मिक्स करने से 30% इसको इसे कहते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन का लेवल 30% तक होता है। अजान जरा। अच्छा जी, मेज का मैंने बता दिया जी। उसके आगे ये पड़ा हुआ है रेप सीड केक या तोरिया की खल। तोरिया, सरसों, ये मुख्तलिफ नाम है इसके। उसमें से आयल निकालते हैं, आयल निकालने के बाद जो बच जाता है वो ये है केक। एक इसमें मील भी होता है, केक और मील में फ़र्क है, चीज़ एक ही है, थोड़ा सा फ़र्क है। इसका प्रोटीन लेवल 33% तक होता है, 33-34%। और जो मील होता है वो बिल्कुल बारीक होता है, ये भी मोटा है, इससे भी बारीक होता है ऐसे। उसके अंदर 1% ज़्यादा होती है इससे प्रोटीन, लेकिन आयल कंटेंट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, उसमें थोड़ा सा कम है। वो एक होता है सॉल्वेंट प्लांट, एक होता है एक्सट्रैक्ट, इस तरह के दो प्लांट, या जू समझ लें पंजाबी के अंदर के कोल्लू, आप लोगों ने देखा है। यस सर। कोल्लू में से जो तेल निकालते हैं तो वो खल जो बचती है, जिसको खल कहते हैं, वो केक है। उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑयल का कंटेंट होता है, लेकिन जो एक्सपेलर प्लांट लगाए वो एक्सपेल कर खींच लेते हैं सारे का सारा तेल, लेकिन सारा फिर भी नहीं निकलता, उसमें भी कुछ ना कुछ था, लेकिन इसकी निस्बत कम होता है। तो वो जो उसके निकालने से बचेगा वो बनेगा मील। ये है जी सोया हस्क, एक सोया बीन होती है, उसका उसमें से भी आयल निकलता है। तो आयल निकलने के बाद जो बच जाता है वो होता है सोयाबीन मील। एक उसके ऊपर से छिलका उतरता है, जैसे वो काले चने भुने हुए आप देखें तो ऊपर से छिलका उतरता है, इसी तरह इसके ऊपर से भी छिलके बिल्कुल भी इसका दाना होता है, तकरीबन मकई जितने दाना होता है इसका, सोयाबीन का। तो जो इसकी जो सोयाबीन मील बनता है ये दो क्वालिटी का होता है, हाई प्रोटीन और लो प्रोटीन, या मुखफ्फ करके हाई प्रो और लो प्रो उसको कहते हैं। जो हाई प्रो या हाई प्रोटीन होता है उसके ऊपर से ये छिलका उतरा होता है,
तो बीच में जो गिरी उसकी होती है उसमें से आयल निकालते हैं। आयल निकालने के बाद जो बच जाता है वो सोयाबीन मील होता है, हाई प्रोटीन उसमें होती है। और अगर वो छिलका नहीं उतारते ऐसा सच उसमें से आयल निकाल लेते हैं, तो निकालने के बाद जो बचेगा वो लो प्रोटीन होगा, होगा वो भी सोयाबीन मील। सोयाबीन मील कैसा होता है, ये पड़ा हुआ है, ये है सोयाबीन मील। ये इसमें से उन्होंने आयल निकाला, आयल निकालने के बाद जो बच गया वो ये है। इसके अंदर 45% तक प्रोटीन होती है CPS की। और ये जो है सोया हस्क, इसके अंदर 13-15% तक होती है प्रोटीन। अच्छा, ये मैंने बता दिया आपको कि ये ग्लूटेन है 30%। चोकर गंदम का या मेज ब्रांड वो ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी प्रोटीन जो है ना 14-15% तक, 12-14% तक इसको हम कंसिडर करते हैं। ये गंदम में से निकलता है, ये मैंने बताया था मेज ब्रैन है, इसके अंदर प्रोटीन लेवल भी इसका 14-15% तक होता है। मेज ग्लूटन 60% है, इसके अंदर प्रोटीन का लेवल 60% तक होता है। सोयाबीन मील का मैंने बता दिया आपको। ये सबसे अहम चीज़ है मिनरल मिक्सचर। उसके बाद आ गया जी राशन। राशन जो मैंने बताया था कि इस वक्त हम 7 ब्रांड तैयार कर रहे हैं। सबसे पहला राशन है अनमोल डेयरी राशन। अनमोल डेयरी इसमें दूध वाले जानवरों को डालते हैं, और इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, हर 2.5 किलो दूध के ऊपर 1 किलो अंडा जो इसका डालना होता है। इसके अंदर प्रोटीन का लेवल होता है 18+, यानी 18% से ऊपर हम प्रोटीन इसके देते हैं। उसके बाद एक होता है काफ स्टार्टर, छोटे बच्चों के लिए, जो तकरीबन 15 दिन से शुरू करते हैं और 4 माह तक उसको चलाते हैं। उसके अंदर प्रोटीन का लेवल 21%+ होता है, 21% से ऊपर होता है। वो शुरू में तो एड लिप देते हैं, वो छोटा बच्चा होता है कितना खा लेना होता है, 4 माह तक उसको देते हैं जितना वो खा सके, 4 माह के बाद उसको बंद कर देते हैं। फिर हम शुरू करते हैं ड्राई एंड ग्रो राशन, तीसरे नंबर पे है ड्राई एंड ग्रोर। ड्राई जानवरों के लिए भी वही होता है और जो ग्रो करें उनके लिए भी। ड्राई कौन से होते हैं, जो दूध देने के बाद ड्राई हो जाते हैं और या अभी जो ग्रो कर रहे हैं उनके लिए वो राशन है ड्राई एंड ग्रो राशन। उसकी जो मकदार देने की होती है वो 1% ऑफ बॉडी वेट होती है। उसके बाद हम भेड़ बकरियों के लिए अलग राशन तैयार करते हैं, शीप एंड गोट राशन उसको कहते हैं। उसकी भी क्वांटिटी जो देने वाली वो 1% बॉडी वेट होती है। उसकी सीपी कितनी रखते हैं, उसकी 16+ होती है, 16+, 16+। जो ड्राई एंड ग्रो है वो 14+ होती है। उसके बाद है हम ब्रीडर राशन तैयार करते हैं, जो मेल हमारे SPU पे हैं उनके लिए तैयार करते हैं। उसकी प्रोटीन तो होती है तकरीबन 17 के करीब, लेकिन उसकी एनर्जी लेवल कुछ ज़्यादा होता है। कुछ हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जिसकी उसकी लिबिडो बढ़ती है, उसकी स्पर्म की मूवमेंट है वो तेज़ होती है, वो स्पेशल तैयार होता है। तो उसके बाद 2 किस्म के राशन है हमारे पास फैटनी के लिए। भेड़ बकरियों की फैटनी के लिए अलग राशन है, और बड़े जानवर जो हैं बच्चे और कट्टे उनके लिए अलग राशन है। तो जो बड़े जानवरों का वो ये पड़ा हुआ आपने देखा, इसमें तूड़ी मिली होती है, इसको कहते हैं हम TMR टोटल मिक्स राशन। इसके अंदर 25% तूड़ी होती है और 75% बाकी अज्जा होते हैं, 14% इसकी प्रोटीन होती है। और जो फैटनिंग राशन हम कहते हैं वो होता है बकरों और छतरों के लिए, उसके अंदर प्रोटीन 16.5 से ऊपर होती है। ये हो गए हमारे 7 राशन। तो मैंने बता दिया, एक तो बताया मैंने कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम तैयार करते हैं, इसमें गवर्नमेंट का प्रॉफिट नहीं होता। हर 3 माह के बाद हमारा रेट या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है, क्योंकि हमने जब टेंडर करना है जो रेट आने हैं और जो हमारा फार्मूला बना है उस हिसाब से हम उसको रेट फील करके निकाल लेते हैं कि अब कितने का राशन पड़ा हमें, कितने का बैग पड़ा, जितने का बैग पड़ा उतने का हम फील करते हैं। गवर्नमेंट को भी यही देते हैं और अगर कोई प्राइवेट आ जाए तो उसको भी देते हैं और उसी रेट पे देते हैं।
है।